तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु। शीत ऋतु एवं गहन वन में हल्के से कोहरे के मध्य विराजित आचार्य स्वरूप गुप्त अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रहे थे। सामने बैठे नगरवासी मुनिराज को चातक की भांति निहार रहे थे एवं तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु का जीवन वृतांत जानने को उत्सुक थे। मुनिराज ने गंभीर स्वर में भगवान चंद्र प्रभु का चरित्र बताना प्रारंभ किया। भगवान चंद्र प्रभु का जीवन, जब पद्मनाभ नामक राजा था तब श्रीधर मुनिराज के निकट धर्म श्रवण करके उन्होंने अपने भूत और भविष्य के भव के संबंध में पूछा। तब मुनिराज ने उन्हें उनके सात भव का वर्णन बतलाया था। तीर्थंकर होने के पूर्व छठे भव में वह श्री वर्मा राजा थे। इसी भव में उन्होंने सम्यक्त्व की प्राप्ति की थी। वहां से समाधि पूर्वक मरण करके प्रथम स्वर्ग में देव हुए। तत्पश्चात चौथे भव में अजित सेन नामक चक्रवर्ती हुए और मुनि दीक्षा धारण कर समाधि पूर्वक मृत्यु द्वारा 16वें स्वर्ग में अच्युत नामक इंद्र हुए। तत्पश्चात राजा पद्मनाभ के रूप में दूसरे भव में जन्म लिया। वहां से मुनि दीक्षा धारण कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और उसके बाद वैजयंत विमान में अहमिंद्र हुए। श्रीधर मुनिराज पद्मनाभ राजा को उनके पूर्व भव की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे भव्य, अच्युत नामक स्वर्ग से तुम्हारा आत्मा यहां रत्न संचयपुर में पद्मनाभ के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब इस भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधकर एक भव पश्चात तुम भरत क्षेत्र में चंद्र प्रभु तीर्थंकर होगे। मुनिराज ने कहा, हे राजन, आज से 10 दिन पश्चात तुम्हारी नगरी में एक विशाल उन्मत्त हाथी आकर उपद्रव करेगा और वह तुम्हारे निमित्त से शांत होगा और उस घटना से तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास होगा। ऐसी बात सुनकर राजा पद्मनाभ श्रावक के व्रत धारण कर हर्षोल्लास पूर्वक अपनी राजधानी वापस लौट गए। आचार्य, तो क्या वास्तव में ही कोई हाथी कोलाहल मचाने आया? हाँ, 9 दिवस पश्चात नगर में उत्पात करते हुए मदोन्मत्त गजराज को महाराजा पद्मनाभ ने अपने वश में कर लिया एवं नगरवासियों ने विजयोत्सव मनाया एवं महाराजा पद्मनाभ का स्वागत किया। वह वनकेली नामक हाथी राजा पृथ्वीपाल का था, जो क्रोधित होकर यहां आ गया था। पृथ्वीपाल एवं पद्मनाभ के बीच वनकेली हाथी के कारण युद्ध हुआ था। युद्ध में पृथ्वीपाल मारा गया। परिणाम स्वरूप राजा पद्मनाभ ने वैराग्य पूर्वक मुनि दीक्षा धारण कर ली। तो उन्होंने क्या विचार किया? वे विचारने लगे कि मुझे यह कषाय से युक्त क्षणभंगुर जीवन शोभा नहीं देता, परम अकषाय रूप मुनि जीवन ही श्रेष्ठ है, एवं उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। राजा पद्मनाभ को उसी भव में 12 अंगों का ज्ञान हुआ और वह श्रुत केवली हुए। साथ ही साथ दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना भाकर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और वहां से समाधि पूर्वक मरण करके 5 अनुत्तर विमान में से वैजयंत विमान में अहमिंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्या उसके पश्चात वे तीर्थंकर हुए? हाँ, राजा पद्मनाभ का जीव जो वैजयंत विमान में अहमिंद्र के रूप में था, वहां जब उसकी आयु 6 माह शेष रही थी तब काशी देश की चंद्रपुरी नगरी में इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी राजा महासेन यहां राज्य करते थे। वह अत्यंत पराक्रमी एवं क्षमावान थे। तब चंद्रपुरी नगरी में प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। स्वर्ग लोक से देवियां माता लक्ष्मणा की सेवा के लिए आ पहुंची। एक रात्रि चैत कृष्णा पंचमी को महारानी लक्ष्मणा ने मंगलमय 16 स्वप्नों को देखा। प्रातःकाल महाराजा महासेन से महारानी लक्ष्मणा ने उन मंगलमय स्वप्नों की बात कही। तब महाराजा महासेन ने कहा कि हे देवी, यह अति मंगलमय स्वप्न है। तुम्हारे गर्भ से 8वां तीर्थंकर जन्म लेने वाला है। अत्यंत आनंदपूर्वक 9 माह बीत गए और पौष कृष्ण एकादशी के दिन इस काल के 8वें तीर्थंकर
चंद प्रभु का जन्म माता लक्ष्मणा देवी के गर्भ से हुआ। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही नगरी में दिव्य प्रकाश हो उठा। इंद्रलोक से इंद्र और इंद्राणी अनेक देव और देवियों सहित भरत क्षेत्र आ पहुंचे। इंद्र बालक चंद्र प्रभु को गोद में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठा और आकाश मार्ग से प्रभु के जन्माभिषेक यात्रा हेतु मेरु पर्वत की ओर प्रस्थान कर गया, जहां पर इंद्र ने उनका चिन्ह अर्धचंद्र घोषित किया और वहां जाकर अत्यंत उत्साह पूर्वक सौधर्म और ईशान इंद्र ने 1008 हाथ बनाकर 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का अभिषेक किया। आनंद पूर्वक जन्म अभिषेक के पश्चात इंद्र ने मेरु पर्वत पर तांडव नृत्य किया और उन बाल तीर्थंकर को चंद्र प्रभु नाम से संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की। बाल तीर्थंकर चंद्र प्रभु शुक्ल पक्ष के चंद्र की भांति दिन प्रतिदिन वृद्धिंगत होने लगे। सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर के मोक्ष गमन के पश्चात 900 करोड़ सागरोपम बीत जाने पर भगवान चंद्र प्रभु तीर्थंकर हुए। उनकी आयु 10 लाख पूर्व थी। उनके शरीर की ऊंचाई 150 धनुष प्रमाण थी और वर्ण श्वेत था। बाल लीलाओं से सभी को आनंदित करते हुए जब वह 8 वर्ष के हुए तब सहज वृत्ति से स्वयमेव देश व्रत धारण करके उन्होंने पंचम गुण स्थान की प्राप्ति की। उनका कुमार काल 2.5 लाख पूर्व का था। धीरे धीरे काल बीतने लगा। सुख पूर्वक राज्य करते करते 5 लाख पूर्व वर्ष बीत गए एवं 10 लाख में से 7.5 लाख पूर्व की आयु बीत गई। एक दिन चंद्र प्रभु महाराज का दरबार लगा था और पौष कृष्णा एकादशी का दिन था। यही दिन उनके जन्म दिवस का भी है। उनके वैराग्य में निमित्त कौन बना? पूरे राज्य में अत्यंत उत्साह था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक वृद्ध व्यक्ति भयभीत होकर राजा चंद्र प्रभु की सभा में उनके समक्ष खड़ा हुआ। उन्हें नमस्कार करते हुए कहने लगा, हे महाराजा, आप तो देवों से भी अधिक पूज्य हैं। आप सभी के दुख को दूर करने वाले हैं। मैं अति दीन और भयभीत हूं, कृपया मेरी रक्षा कर मुझे बचा लें। महाराजा ने दया भरी दृष्टि से पूछा, भाई आखिर तुम्हें किस बात का दुख है? वह बोला, एक निमित्त ज्ञानी ने मुझसे कहा कि आज रात्रि को मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप तो मृत्युंजय हैं, कृपया मुझे बचा लो। तभी सभा का एक मंत्री बोला, हे भाई धीरज रखो, आयु पूर्ण होने पर मृत्यु किसकी नहीं होती। मृत्यु तो सभी की होती है और मृत्यु से इंद्र नरेंद्र या जिनेंद्र कोई भी किसी को नहीं बचा सकता। हां इतना अवश्य है कि जो जिनेंद्र देव द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है उसकी उपासना करता है वह मृत्यु को जीतकर अमर पद की प्राप्ति करता है। मंत्री का पूरा उत्तर सुनने के पूर्व ही वह ब्राह्मण वेशधारी पुरुष अचानक से गायब हो गया। तभी महाराजा चंद्र प्रभु गंभीर स्वर में बोले, सुनो, यह जो वृद्ध ब्राह्मण आया था वह कोई मनुष्य नहीं था, अपितु स्वर्ग से आया हुआ एक देव था। मुझे जीवन की क्षणभंगुरता दिखाकर वह अपना कार्य पूर्ण करके चला गया है। इस प्रकार महाराजा चंद्र प्रभु का चित्त वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। वह विचारने लगे कि वास्तव में तो यह देह अनंत काल तक नहीं रहेगी, यह संयोग सदाकाल नहीं रहेंगे, यह परिवारजन मित्रजन स्थायी नहीं है। यदि सदाकाल कोई साथ रहेगा तो वह स्वयं का ज्ञान स्वभाव रहेगा। इस प्रकार प्रभु का जन्मोत्सव ही वैराग्य जिन दीक्षा का दिवस बन गया। तभी इंद्र मनोहरा नाम की शिविका ले आया और वैराग्य भावना भाते हुए प्रभु सर्वार्थ सकल ऋतु नामक वन में पधारे। वहां महाराजा चंद्र प्रभु ने राज वैभव वस्त्र इत्यादि समस्त परिवार का त्याग कर नमः सिद्धेभ्यः बोलकर सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके 1000 अन्य राजाओं सहित मुनि दीक्षा अंगीकार की। तत्पश्चात विशुद्ध उपयोग साधन करके केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर हुए। मुनि दशा में 2 उपवासों के पश्चात उनका प्रथम आहार नालिनपुर में सोमदत्त राजा के यहां हुआ। तभी वहां रत्नवृष्टि आदि 5 आश्चर्य हुए।
साधक मुनि दशा में वे 3 माह तक रहे। तत्पश्चात फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन सर्वार्थ नामक वन में नाग वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया। जिस वन में उन्होंने दीक्षा धारण की थी, उसी वन में उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने तत्काल 8.5 योजन बड़े अद्भुत शोभायमान समभ शरण की रचना की। उनके समभ शरण में वैदर्भ श्रीदत्त आदि 93 गणधर, 2,50,000 मुनिराज, 3,00,000 श्रावक और 5,00,000 श्राविकाएं थीं। उनकी सभा में मुख्य आरिका वरुणा थी। उनकी दिव्य ध्वनि में क्या आया? उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि संसार के समस्त जीव दुखी दिखाई देते हैं और वे दुख से बचने का उपाय भी करते हैं, परंतु प्रयोजन भूत तत्वों की सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर होता नहीं। दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है, और ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और हम सुखी ना हो सकें, उन्हीं को प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। वे 7 हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। उक्त 7 तत्वों को भली भांति जानकर एवं समस्त पर तत्वों पर से दृष्टि हटाकर अपने आत्म तत्व पर दृष्टि ले जाना ही सच्चा सुख प्राप्त करने का सच्चा उपाय है, और यही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। 2,50,000 वर्ष पूर्व तक धर्म चक्र का प्रवर्तन करने के पश्चात भगवान चंद्रप्रभ संवेदाचल पर पधारे। वहां उन्होंने फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन 1 मास के योग निरोध पूर्वक 1,000 अन्य जीवों सहित सिद्ध पद को प्राप्त किया। इंद्रादिक देवों ने आकर उनके मोक्ष कल्याणक का महोत्सव मनाया। बोलो चंद्र प्रभु भगवान की जय। रति अरति हर श्री चंद्र जिन, तुम ही अपूरव चंद्र हो, निशेष हो, निर्दोष हो, निर्विघ्न हो, निष्कंप हो, निकलंक हो, अकलंक हो, निष्ताप हो, निष्पाप हो, यदि हैं अमावस अज्ञ जन तो पूर्णमासी आप हो।